क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सबसे छोटा प्रारूप T20 क्रिकेट देखने वालों के लिए सबसे रोमांचकारी होता है। इसके मुकाबले बेहद दिलचस्प होते हैं क्योंकि पल भर में मैच का रुख बदल जाता है। सिर्फ 20 ओवरों के होने से टीमों के बीच अंतर काफ़ी कम हो जाता है और इसीलिए तो कभी कभी छोटी टीम भी बड़ी टीम पर भारी पड़ जाती है। और जब बात हो T20 विश्व कप की तो इसमें उत्साह सातवें आसमान पर रहता है। T20 वर्ल्ड कप 2022 की शुरुआत हो गई है। 23 अक्टूबर को भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ मैच से अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। T20 विश्व कप का पहला संस्करण 2007 में खेला गया था और इस बार T20 विश्व कप की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। वैसे तो अब का क्रिकेट बहुत हद तक बल्लेबाजों का खेल रह गया है और जब बात हो T20 क्रिकेट की तो इस फॉर्मेट में बल्लेबाज जमकर रन बनाते हैं और गेंदबाजों की बहुत पिटाई होती है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉप 5 बल्लेबाजों की जिन्होंने T20 विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। नंबर 5, तमीम इकबाल। बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने भारत में आयोजित T20 विश्व कप 2016 के दौरान शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया था और 6 मुकाबलों में 73.75 की औसत से 295 रन बनाए थे। इस दौरान इस खिलाड़ी ने एक अर्धशतक के साथ एक शतक भी जमाया था। तमीम इकबाल ने 142.51 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और बांग्लादेश की टीम को मजबूती प्रदान की थी। नंबर 4, महिला जयवर्धने। श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज महिला जयवर्धने ने T20 विश्व कप 2010 में 6 मुकाबलों में 60.40 की औसत की मदद से 302 रन बनाए थे और वह T20 विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में चौथे स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज़ में आयोजित इस T20 विश्व कप में जयवर्धने ने 2 अर्धशतक के साथ एक लाजवाब शतक भी लगाया था। नंबर 3, बाबर आजम। पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान जो ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज रह चुके हैं, बाबर आजम ने पिछले वर्ष ICC T20 विश्व कप में 6 पारियों में 303 रन बनाए थे। बाबर आजम ने 60.60 की औसत से रन बटोरे थे और 4 अर्धशतक लगाए थे। इस बार भी पाकिस्तान के फैंस को अपने स्टार बल्लेबाज से बहुत उम्मीदें हैं। नंबर 2, तिलक रत्न दिलशान। श्रीलंका के पूर्व ओपनर बल्लेबाज तिलक रत्न दिलशान ने दिल स्कूप शॉट का आविष्कार किया था। दिलशान T20 विश्व कप 2009 में 7 मुकाबलों में 52.83 की औसत के साथ 317 रन बनाने में सफल रहे थे और इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले थे। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि दिलशान 7 मुकाबलों में 2 मुकाबलों में 0 पर आउट हुए थे और इसके बावजूद भी उन्होंने पूरे विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बना दिए। नंबर 1, विराट कोहली। T20 विश्व कप के एक संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज विराट कोहली के नाम है। विराट कोहली ने T20 विश्व कप 2014 में 6 मुकाबलों में 106.33 की शानदार औसत के साथ 319 रन बना डाले थे। उनके यह आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और उन्होंने 4 अर्धशतक भी लगाए थे और 3 बार गेंदबाज उनका विकेट झटकाने में नाकाम रहे थे। भारतीय क्रिकेट फैंस उनसे इसी फॉर्म की उम्मीद कर रहे होंगे। तो ये थे टॉप 5 बल्लेबाज जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे अधिक रन बनाए हैं। दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में किस टीम का बल्लेबाज सबसे अधिक रन बनाएगा, कमेंट में हमें बताएं। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।